चलिए दोस्तों, पार्टीशन के इतिहास को किस प्रकार से भारत फिल्म में तोड़ मरोड़ कर दिखाया है, फैक्ट्स के साथ में छेड़खानी की है, इस बारे में चर्चा करते हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा कि पार्टीशन के इतिहास को फिल्म में गलत दिखाया है। अब आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए, अली अब्बास जफर जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, टाइगर जिंदा है, अगर हम उनकी फिल्म को देखें उसमें भी देखिए ISI को और एक आतंकवादी देश पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया है, शांति की बात करते हुए दिखाया है। इससे ज़्यादा आश्चर्य क्या हो सकता है ना। लेकिन अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है में ऐसा दिखाया है। जिस ISI की वजह से भारत में अनगिनत आतंकवादी हमले हुए हैं, जिस ISI की वजह से आए दिन हमारे भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु होती है, उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए टाइगर जिंदा है में अली अब्बास जफर ने दिखाया था। अब देखिए, पार्टीशन का इतिहास जो मैंने आपको बताया, इसको लेकर भी आजकल बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स है वो बड़ा ही अलग अलग इतिहास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से रोमांटिसाइज कर रहे हैं वो पार्टीशन को। इतनी बड़ी पीड़ा और दुख और तकलीफ देने वाली, जिसको सोचकर ही हम मतलब उसके बारे में सोचने का भी मन नहीं करता। इतनी भयानक घटना पार्टीशन के समय की, लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उस समय पार्टीशन के समय, और उस इतनी भयानक घटना को भी वो लोग मतलब उन फैक्ट्स के साथ में, इतिहास के साथ में वो तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। अलग ही इतिहास वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कि कलंक का उदाहरण लीजिए, उसमें दिखाया गया है कि भाई जो पाकिस्तान के क्षेत्र में उस समय हिंदू रहते थे, वे मुस्लिम समाज से नफरत करते थे, भेदभाव करते थे, और जो लाहौर का लोहार मुस्लिम समाज है वो एक इंडस्ट्री आने की वजह से डरा हुआ था कि भाई इंडस्ट्री आने के बाद में हमारे धंधे का क्या होगा। तो इस वजह से जो लोहार मुस्लिम समुदाय था, उन्होंने तलवारें हाथ में ली और वो लोगों को मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए दौड़ पड़े। यानी रियली, यानी वो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह सब कल्पना है। ये इंडस्ट्री, लोहार और हिंदू नफरत करते थे। जो हिंदू सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता हजारों सालों से जिन्होंने सहिष्णुता की पहचान, सहिष्णुता का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया, सीख दी पूरी दुनिया को, और हमारा हजारों साल का इतिहास देख लीजिए, ना हमने किसी देश में जाकर धर्मांतरण किया, ना किसी देश पर हमने आक्रमण किया, और हमेशा एक भाईचारे की मिसाल इस भारतीय सभ्यता ने दुनिया के सामने पेश की है, उसको दिखाया गया है कि भाई वो नफरत करते थे। यानी जैसे कि हिंदुओं की वजह से पार्टीशन हुआ, भाई जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी 1946 में, जिसके बाद में अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ, रेप और फोर्स्ड कन्वर्जेंस, बहुत भयानक इतिहास है वो। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आप गूगल पर पढ़िए, इस बारे में तो हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता। और डायरेक्ट एक्शन डे के पहले भी जो खिलाफत आंदोलन था, जिसका ब्रिटिशों ने विरोध किया था, उसके बाद में मोपला में अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, 10,000 से भी ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। खिलाफत आंदोलन के बारे में एक छोटा सा वीडियो आप देखिए। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुन्द्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ। जनाब, आपको कितने बरसों की कैद हुई है? 50 वर्षों की, 2 उम्र कैदे हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं, अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया
कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए, क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। तो जिन्ना और मुस्लिम लीग जैसे कुछ चंद गद्दारों ने भारत माँ के टुकड़े किए थे, लेकिन आजकल हम बॉलीवुड की फिल्मों में पार्टीशन का कुछ अलग ही इतिहास देखते हैं। इससे ज़्यादा पीड़ा और तकलीफ देने वाली क्या बात हो सकती है, आप खुद सोचिए। अब हम भारत फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म में एक सीन में एक बच्ची भारत से यानी सलमान खान के कैरेक्टर से सवाल पूछती है कि भाई ये पार्टीशन क्यों हुआ, भारत पाकिस्तान अलग क्यों हुए। तो भारत कहता है, सलमान खान कैरेक्टर कहता है कि भाई कुछ समझदार लोगों ने बैठकर ये तय किया कि हम अलग अलग रहेंगे तो खुश रहेंगे। समझदार लोगों ने तय किया? रियली? मतलब जिन्होंने भारत माँ के टुकड़े किए वो समझदार है? अब ये उसने कटाक्ष करने के लिए कहा या सच में कहा वो तो डायरेक्टर ही जाने, लेकिन मुझे तो फिल्म देखते समय लगा नहीं कि वो कुछ सार्केज्म में या कटाक्ष में कहा गया है। समझदार लोगों ने। अगर हम ओरिजिनल फिल्म ओड टू माय फादर देखें तो ड्यूक्सू का कैरेक्टर अपनी पोती को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में जो लोग आए थे उनकी जो दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, उस दर्द और पीड़ा के ऊपर बनी हुई एक कविता वो अपनी पोती को सिखाता है। यानी ड्यूक्सू ने जो पार्टीशन के समय फेस किया था ना, वो उसका दर्द अपने अगली पीढ़ी को बताना चाहता है। लेकिन भारत में सलमान खान का कैरेक्टर एक बच्ची को बताता है कि भाई समझदार लोगों ने तय किया था कि अलग अलग रहेंगे तो खुश रहेंगे। यानी ये समझदार थे जिन्होंने भारत माँ के टुकड़े किए। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में जो पार्टीशन का सीन है, वहाँ पर भारत एक कुछ लोगों की चर्चा सुनता है, पाकिस्तान में होते हैं वो, तब वो भारत और उनका परिवार, तो वो लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई अभी हिंदुओं का यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए भारत में। तो भारत भी तुरंत अपने पिताजी के पास में आता है, पिताजी को कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकल चलते हैं, हिंदुओं का यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। तो जैकी श्रॉफ यानी भारत के पिता मना कर देते हैं, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय एक ट्रेन भारत से पाकिस्तान में आती है और उसमें अनगिनत मुस्लिम समुदाय की लाशें हमें दिखाई देती है। यानी भारत की तरफ से ये ट्रेन पाकिस्तान में आई थी जिसमें मुस्लिम समुदाय की लाशें थी। और इसके बाद में जब भारत के पिता कहते हैं कि भाई चलो अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और फिर वो एक ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाया है, बहुत हज़ारों हज़ारों लोग ट्रेन में अंदर घुसने की, ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक सीन है फिल्म में। और तब जाकर कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर आते हैं तलवारें लेकर और कहते हैं कि भाई खून का बदला हम खून से लेंगे। यानी पाकिस्तानी बस खून का बदला खून से ले रहे थे, वो बस बदला ले रहे थे पाकिस्तानी। बाकी हिंदुओं ने भारत से मुस्लिम समुदाय की लाशों से भरी हुई ट्रेन पहले पाकिस्तान में भेजी थी और उसके बाद में पाकिस्तानी बस बदला ले रहे थे। रियली? कहाँ गया वो डायरेक्ट एक्शन डे? मतलब आप कुछ भी दिखाओगे और बस पाकिस्तानी बदला ले रहे थे। और क्या पाकिस्तानी पार्टीशन के बाद भी बदला लेना उन्होंने शुरू रखा है क्या? क्योंकि देखिए पार्टीशन के समय 12% हिंदू पाकिस्तान में थे, या उससे भी ज़्यादा थे शायद, जो आज 1% से भी कम बचे हैं, 1% से भी कम। तो ये जो इतने करोड़ों हिंदू है, वो क्या उनको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? अनगिनत लोगों के ज़बरदस्ती धर्मांतरण किए गए। आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को वहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती निकाह कर दिया जाता है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन लड़कियों के पिता रस्तों पर बैठकर छाती कूटते हैं, रोते हैं, कोई उनकी कंप्लेंट दर्ज करने वाला तक नहीं है। इतना नरक से भी भयानक जीवन है पाकिस्तान में हिंदुओं का। तो क्या आप पाकिस्तानी अभी भी बदला ले रहे हैं क्या पार्टीशन के बाद में हिंदुओं से? क्या इतिहास दिखा रहे हो आप? पाकिस्तानी कह रहे कि हम खून का बदला खून से लेंगे, रियली? ये सारी बातें एक भारतीय होने के नाते हमें पीड़ा देती है, तकलीफ देती है। और हमारे भारत के जो मुस्लिम भाई है वो भी इस बात से कभी एग्री नहीं करेंगे यार कि आप पाकिस्तान का बचाव करो पार्टीशन का इतिहास दिखाते समय। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय कहीं पर अगर सबसे ज़्यादा सुखी, सम्मानित और सुरक्षित है तो वो भारत में है। और भारत ने कभी भी इस प्रकार से नफरत नहीं फैलाई, भारत ने हमेशा सहिष्णुता की मिसाल पेश की है, प्यार और भाईचारे की मिसाल पेश की है। इस देश की मिट्टी के कण कण में यह सहिष्णुता है। जो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज पार्टीशन के समय भारत में करीब 10-12% था, वो आज 18-22% है भारत में। तो यार भारत ने तो हमेशा भाईचारे की मिसाल पेश की है, लेकिन अगर पार्टीशन के इतिहास को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा तो एक भारतीय होने के नाते सच में ये बातें तकलीफ देती है, बहुत पीड़ा देती है।
बल्कि शायद बॉलीवुड ये भी दिखाने से कम नहीं करेगा कि भाई मुस्लिम लीग ने भारत के टुकड़े नहीं किए थे, वो तो भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े करके अलग देश बनाया था। शायद ये भी दिखाने से कल को ये लोग कम नहीं करेंगे। और मैंने तो सुना है भाई पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है कि भाई ब्रिटिशों के पहले यहाँ पर मुगलों का राज था, तो जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो फिर मुस्लिम समाज के हाथ में सत्ता आनी चाहिए थी। ये मैंने सुना है, इस प्रकार से पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। और अगर कल को किसी बॉलीवुड की फिल्म में ये हमें देखने को मिले तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत इस फिल्म में जो सिलेक्टिव हिस्ट्री दिखाई है या जो पार्टीशन के इतिहास को उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।